2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ। इस बार रिजल्ट में डोनोरू अनन्या रेड्डी ने तीसरी रैंक हासिल की। महिला वर्ग में वो नंबर वन है। सबसे कमाल बात है कि उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ओवरऑल तीसरी रैंक हासिल की। जहां लाखों कैंडिडेट्स कई कई अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, वहीं डोनोरू अनन्या रेड्डी ने पहले ही अटेम्प्ट में तीसरी रैंक हासिल करके लोगों को चौंका दिया है। उनके लिए ये सफलता एक सुखद आश्चर्य बन गई है। अनन्या रेड्डी तेलंगाना की रहने वाली हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अनन्या ने बताया कि बचपन से ही उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने का मन था, इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विस का ऑप्शन चुना। उन्होंने बताया कि शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से भूगोल में ग्रेजुएशन किया और उसके साथ ही UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी। तो मेरा नाम अनन्या है। मैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस ज्योग्राफी से हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने अलग रणनीति बनाई। जहाँ लोग एग्जाम के समय कम पढ़ाई की सलाह देते हैं, वहीं एग्जाम डे तक एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। अनन्या बताती हैं कि रोज कम से कम 12 घंटे पढ़ना उनका रूटीन था। इसी के साथ उन्होंने सेल्फ स्टडी की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोचिंग जाने के बजाय खुद ही अध्ययन करके सफलता पाई। बता दें कि यूपीएससी सीएससी 2023 के रिजल्ट में कुल 1143 पदों का चयन होना था। यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में 1143 वैकेंसी के मुकाबले 1016 के चयन की लिस्ट जारी की गई है। इन सभी कैंडिडेट्स को IAS, IPS, IFS, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस में सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी। ओवरऑल टॉपर की बात करें तो इस बार परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव टॉपर रहे। दूसरी रैंक पर अनिमेश प्रधान रहे। तीसरी रैंक पर डोनोरू अनन्या रेड्डी रहीं। चौथी रैंक पर पीके सिद्धार्थ राजकुमार रहे। पांचवा नंबर रूहानी का रहा। छठे नंबर पर सृष्टि डब्बास रहीं। सातवीं रैंक अनमोल राठौर की रही। आठवीं रैंक पर आशीष कुमार आए। नौवीं रैंक पर नौशीन रहीं। दसवीं रैंक पर ऐश्वर्यम प्रजापति रहे। यहां आपको ये भी बता दें कि 355 अभ्यर्थियों को फिलहाल उनका परिणाम नहीं मिलेगा। यूपीएससी ने अलग अलग कारणों से 355 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रोविजनल रखा है। इसका मतलब है कि इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट बाद में घोषित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। यूपीएससी परीक्षा के तीनों चरणों में शामिल हुए स्टूडेंट्स को upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी में सफलता पाने वाले कैंडिडेट्स को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं सिविल सेवा परीक्षा 2023 को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण रंग लाया है, जिससे समाज सेवा में उनके आशाजनक करियर की शुरुआत होगी। उनके प्रयास आने वाले समय में देश के भविष्य को आकार देंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज नेशन के साथ।